नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तों बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर दो की महत्वपूर्ण टॉप थर्टी क्वेश्चन आपके एम रहेंगे फुल एक्सपीरियंस के साथ बताने वाले हैं और इसका पिछला पार्ट देखना है प्रैक्टिस सेट देखना है तो यहाँ पर बेलाइकन पे या आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों आप इसका पिछला प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं तो आइए इस क्वेश्चनों को देखेंगे पहला प्रश्न सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप महत्वपूर्ण थर्टी क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले थे वीडियो को अंत तक बने रहे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यहाँ पे कम्बिनेशन किया गया है तो बस ए, सभी महत्वपूर्ण आपके सभी कंसेप्टे वो भी आपके सिलेबस से लिया गया दोस्तों आपके सिलेबस एक बार चेक कीजिए और कोई भी अगर तैयारी के पहले एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिए करिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न क्या है बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है जो बालक होता है उसके विकास की प्रक्रिया जो है कब से शुरू होती है जन्म से पूर्व दस वर्ष के बाद पाँच वर्ष के बाद या पंद्रह वर्ष के बाद तो बालक के जो विकास की प्रक्रिया शुरू होती है वह जन्म से पूर्व शुरू होती है। कब से जन्म के पहले से ही बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है वह शुरू हो जाती है अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है प्रश्न यह है, है कि विकासात्मक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भधान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन होता है यह कथन किसका दिया गया है यानी विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भधान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन होता है यह एक कथन है और यह कथन किसके द्वारा दिया गया है तो यह कथन हर के द्वारा दिया गया था हरलाक ने कहा है कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भदान से मृत तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन किया जाता है यानी गर्भदान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन किस में किया जा किया जाता है तो विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है और यह कथन आपका हरलाक का है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न है किशोरावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताएं जो होती हैं कौन सी है किशोरावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताएं भार में वृद्धि हड्डियों का विकास मस्तिष्क का विकास या उपर्युक्त सभी होगा तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास की जो विशेषताएं होती हैं देखिए भार में वृद्धि भी होता है हड्डियों का भी विकास होता है और मस्तिष्क का विकास भी, भी होता है तो आपका क्या हो जाएगा उपरयुक्त तो सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे सभी प्रश्न इम्पोर्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों और सभी प्रश्न अटेंड करके जाइए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए और एक अपनी सरकारी सीट यानी अपना सपना पूरा कीजिए प्रश्न है दोस्तों हमारा टारगेट है थर्टी ऑफ थर्टी बाल विकास एवं शिक्षण शास का यह कंसेप्ट है और प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी आपके सिलेबस पर प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वर्ग एक दो में भी जो हाल ही में एग्जाम हुए थे एक वर्ष पहले उसमें भी पूछा गया था प्रश्न किस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है बालक का विकास सिर से पैर के दिशा की तरफ होता है तो वह है विकास क्रम का सिद्धांत यानी कि बालक का जो विकास है सिर से पैर की दिशा में होता है पहले सिर का विकास होता है इसके बाद सिर से ऊपर से लेकर पैर तक आता है तो ये कौन सा सिद्धांत कहला जाएगा विकास क्रम का सिद्धांत कहला जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है जो विकास की प्रक्रिया होती है बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन या ही या इनमें से कोई नहीं देखिए दोस्तों जब बालक की विकास की प्रक्रिया होती है वह मात्रात्मक अंतर्गत भी परिवर्तन आता है और गुणात्मक में भी परिवर्तन आता है मात्रात्मक यानी वृद्धि होगी तो वजन बढ़ेगा शरीर में आकार बढ़ेगा और गुणात्मक यानी कि बुद्धि भी बढ़ेगी जैसे जैसे बालक बड़ा होता है बच्चा बड़ा होता है तो बुद्धि भी बढ़ेगी आई क्यू लेवल भी बढ़ेगा तो ये दोनों हो जाएंगे अगला प्रश्न देखेंगे बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि जो कौन सी ऐसी आयु अवधि है जो महत्वपूर्ण है किसका बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए तो दोस्तों बालक की जो पाँच से दस वर्ष की आयु होती है पाँच से दस वर्ष की जो आयु होती है बालक की वह सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए अवधि यह आयु बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है पाँच से दस वर्ष तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है अब ये सभी विकास के सिद्धांत दिए इनमें से पहचानना है कौन सा सिद्धांत आपका विकास का नहीं है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है बिल्कुल सही बात है विकास क्रमबद्ध होता है ये भी सही बात है विकास निरंतर होता है ये भी आपका सिद्धांत है लेकिन जो विकास यह मशीनी क्या लिखा है मशीनी प्रक्रिया है तो यह आपका सिद्धांत नहीं है तो राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर द हो जाएगा विकास मशीनी प्रक्रिया है अगला प्रश्न देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता है जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बौद्धिक स्तर पर होती है शारीरिक स्तर पर होती है व्यक्तित्व तो संबंधी होती है या उपरोक्त सभी होगा तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है बौद्धिक रूप में भी होती है शारीरिक में भी और व्यक्तिगत संबंधी भी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे द ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न दोस्तों है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्रश्न आइए देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है किन के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की ऐसी कौन सी अवस्था जो सबसे जटिल और कठिन मानी जाती है शैसावस्था किशोरावस्था बाल्यावस्था इनमें से कोई नहीं तो बाल विकास या कि आपने डीएड बीएड किया है तो यहाँ इतना तो समझ पा रहे हैं कि जो बाल विकास होता है ऐसी कौन सी अवस्था जटिल कठिन होती है सभी लोग जानते कि शोरावस्था एक ऐसी अवस्था कहलाती है जो सबसे जटिल व कठिन अवस्था होती ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन ये आपके वर्ग दो में पूछा गया प्रश्न था तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सबमिट किया गया दोस्तों और दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस सेट में आपके उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो पिछले आपके वर्ग एक दो में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन तीन में भी जो 2012 में पूछे गए थे वो भी सम्मिलित हैं जो आने वाले प्रश्न हैं आपके सिलेबस पर तो सिलेबस को ध्यान पर क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं प्रैक्टिस सेट बनाया गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा वाई गोटकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो आपके वायुगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित हो अंतरदृष्टि पूर्व अधिगम सक्रिय अनुकूलन पारस्परिक शिक्षण संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास तो जो आपका पारस्परिक शिक्षण है दोस्तों यह वायुगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण नोट कर लेंगे सभी लोग और दोस्तों इसका जिसको भी पीडीएफ फाइल नोट्स पाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिनको भी जितने जिनको भी शिक्षक बंधु मेरे सभी हैं भाई बहन गृहिणी जितने भी हैं मेहनत कर रहे हैं तैयारी करना है जिनको चाहिए कि मेरे को नोट्स वीडियो फाइल चाहिए कमेंट जरूर करें प्रश्न है आर ओ खिलौना को तोड़ता है आर ओ एक व्यक्ति का नाम है बालक या बालिक बालक का नाम है खिलौने को क्या है तोड़ता है उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है बच्चे में क्या है क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है बच्चे कोई खिलौना को तोड़ेंगे उसको अलग अलग करके देखते हैं तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे यह देखना है अगर कोई बालक के खिलौने को तोडकर अलग अलग पुर्जों में कर देता है ठीक है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे उसके जिज्ञास स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए आरओ को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे या उस पर हमेशा नज़र रखेंगे तो आपको शिक्षक होने के नाते उसके जिज्ञास स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करना चाहिए तो पहला यानी आप सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो ध्यान पूर्वक देखिएगा प्रेरकों को जन्मदात तथा अर्जित के रूप में किसने वर्गीकृत किया जो प्रेरक होते हैं कहते ना हमें प्रेरणा मिलती है जो प्रेरक है जन्मजात तथा अर्जित के रूप में किसने वर्गीकृत किया है मैस्लो ने कैरेट ने थॉम्पटन ने हरलाक ने तो प्रेरकों को जन्मजात तथा अर्जित के रूप में आपके मैस्लो ने अर, क्या है वर्गीकृत किया है किसने किया है मैस्लो नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन विद्वान क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं जर्मन विद्वान क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं तो व्यक्तित्व के तीन प्रकार हैं कितने प्रकार हैं तीन प्रकार हैं और नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट में ये भी बताएंगे कौन कौन से हैं वो अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है बालक का शारीरिक विकास सामाजिक विकास मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है यानी पूर्ण तो जो किशोरावस्था होती है ये सभी आपके विकास की अवस्थाएं जो है पूर्णता से प्राप्त होती हैं किशोरावस्था में ही प्राप्त होती हैं अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया है केवल बाल अवस्था में चलती है केवल युवावस्था में चलती है जीवन पर्यन चलती है या कभी कभी चलती है तो विकास की जो प्रक्रिया है आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है लेकिन वृद्धि जो है आपका जीवन पर्यंत नहीं चलता है अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत अनिश्चितता का सिद्धांत उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं तो वंशानुक्रम का सिद्धांत कौन सा होगा समानता का सिद्धांत समानता का सिद्धांत जो है आपके वंशानुक्रम का सिद्धांत कहलाता है अभिवृत्ति और विकास है एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे की विरोधी हैं एक दूसरे के है, समान हैं या इनमें से कोई नहीं तो अभिवृद्धि और आपका विकास जो है एक दूसरे के पूरक हैं अभिवृद्धि और विकास क्या है एक दूसरे के पूरक हैं अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ बोलते हैं ना बच्चे में ग्रोथ हो रहा है यानी बच्चे में अभिवृद्धि हो रही है वह अभिवृद्धि जो है शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है शारीरिक अर्थ में सामाजिक अर्थ में संवेगात्मक अर्थ में बौद्धिक अर्थ में तो जो ये अभिवृद्धि है ग्रोथ है इस शब्द का प्रयोग शारीरिक अर्थ में किया जाता है बोलते हैं ना यार बहुत अच्छा इसका बॉडी ग्रोथ कर रहा है मेहनत कर रहा है बच्चा ग्रोथ कर रहा है यानी कि शारीरिक अर्थ में बोलते हैं अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है किस अर्थ में होता है शारीरिक अर्थ में होता है तो आप सन यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है दोस्तों क्या पूछा जा रहा है बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है यानी ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जिसमें बालक में मातृभाषा का विकास होता है तो मातृभाषा का विकास होता है ऐसी सामाजिक संस्था एक केवल मात्र एक है परिवार परिवार ही एक सामाजिक संस्था है जिसमें बालक के मातृभाषा का विकास होता है तो मातृभाषा संबंधित परिवार से ही होता है अगला प्रश्न देखेंगे कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में, में से किससे संबंधित है तो कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत जो है आपके नैतिक विकास से संबंधित है किस विकास से कोहल वर्ग का जब भी आ जाए तो नैतिक विकास में आपको टिक कर देना है अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर है पियाजे जी के अनुसार जो है विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है पियाजे जी की चार अवस्थाएं बताई दोस्तों जीन पियाजे ने बालक की चार अवस्थाएं बताई हैं और चार अवस्थाओं पे यहाँ पे यह पूछा गया है क्या पूछा गया है कि इस अवस्था में जो बच्चा है वह सबसे बेहतर सीखता है किस पर बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा अमूर्त तरीकों के चिंतन के द्वारा या आपके भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा या आपके इंद्रिय के प्रयोग के द्वारा देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर इंद्रों के द्वारा सीखता है तो इंद्रजनित गामक अवस्था इसीलिए कहलाती है दो से पहली अवस्था आपकी कहलाती इंद्रजनित गामक अवस्था जन्म से दो वर्ष तक आपकी पहली अवस्था दूसरी अवस्था कहलाती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे दो से सात वर्ष के स्टेज में रखा गया है तीसरा आपका मोर संक्रियात्मक अवस्था ठीक है ये आपके सात से ग्यारह वर्ष के बच्चों को स्टेज में रखा गया है चौथी होती है अमूध क्रियात्मक अवस्था यह ग्यारह वर्ष से अधिक जो बच्चे होते हैं उनको रखा गया चार अवस्थाएं हैं पहली आपकी है जनित गामक अवस्था जीरो से दो वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो से सात वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सात से ग्यारह है और गेरह से आगे आपके अमूत क्रियात्मक अवस्था है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न यह है दोस्तों कि सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना बहुत ही बेहतरीन प्रश्न वर्ग एक का पूछा गया दोस्तों प्रश्न है सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है तो वेलेंटाइन ने माना है वेलेंटाइन ने सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कौन सा विकास होगा मानसिक विकास है शारीरिक विकास है ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह आपका मानसिक विकास कहलाएगा कौन सा विकास है मानसिक विकास कहलाएगा अगला प्रश्न देखेंगे भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है जो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा होती है उसे किसे माना जाता है पूर्व प्राथमिक कक्षा को प्लेवे विद्यालय को घर को या ये इन सभी को माना जाता है तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा को माना जाता है पूर्व प्राथमिक कक्षा प्राथमिक कक्षा कितनी होती एक से लेकर पाँच तक की होती है इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षा को माना गया तो पूर्व प्राथमिक कक्षा एक या दो हो सकता है जी ठीक है तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्व प्राथमिक कक्षा में ही प्रथम कक्षा किस भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है <coughs> अगला प्रश्न देखेंगे पाँच प्रश्न और हैं इस प्रैक्टिस सेट में क्योंकि हमारा टारगेट है थर्टी ऑफ थर्टी और तीस प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आएंगे प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है मुख्य रूप से आपका अनुवांशिकता संबंधी कारक बताना है चिंतन पैटर्न आँखों का रंग सामाजिक गतिविधियों में भागीदारीता समकक्ष समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति तो मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी जो कारक है वह आपका कहलाएगा आँखों का रंग क्या है अनुवांशिक संबंधी पूछा है अनुवांशिकता संबंधी तो मुख्य रूप से आंखों का रंग होगा अनुवांशिकता संबंधी कारक आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है जो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना जो है समझा जा सके शिक्षक की सहायता करता है किस रूप में शिक्षक की सहायता करता है तो बच्चे के सिद्धांतों को समझना जो है शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में क्या होता है जो शिक्षार्थी विद्यार्थी होते हैं अगर वह भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करेंगे तो शिक्षक की सहायता प्राप्त होती है ये शिक्षा शिक्षा इसी से सहायता प्राप्त करता है वह बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में तो यहाँ पे बाप सं सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे क्रोध भय प्रेम दुख तथा आनंद किस प्रकार के प्रेरक कहलाते हैं क्रोध भय प्रेम दुख तथा आनंद तो ये जो आपके चारों आपके हैं पांच हो गए क्रोध भय प्रेम दुख आनंद ये किस प्रकार के प्रेरक हैं तो ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहलाते हैं कैसे हैं मनोवैज्ञानिक है क्रोध भय भय हो गया प्रेम हो गया दुख हो गया आनंद ये सभी मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहलाएंगे तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग अगला प्रश्न है क्रियात्मक परीक्षाएं किन के लिए उपयोगी होती हैं बालकों के लिए गूंगे बहरो एवं मंदबुद्धि के लिए निरक्षर और कम पढ़ने कम पढ़े लिखों के लिए उपरोक्त सभी के लिए तो क्रियात्मक परीक्षाएं बालकों के लिए भी होती हैं गूंगे बहरों के लिए भी या एवं मंदबुद्धि के लिए होती है निरक्षर और कम पढ़े लिखों के लिए होती है तो जो क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं वो सभी के लिए उपयोग सभी के लिए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि वंशानुक्रम जो होता है वह व्यक्ति की जनजात विशेषताओं का पूर्ण योग है यह किसका कथन है यह परिभाषा दी गई है वंशानुक्रम की कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जनजात विशेषताओं का पूर्ण योग है यह किसका कथन है तो राइट आंसर जानेंगे अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपना स्कोर या कमेंट आंसर बता सकते हैं बेफिक्र कर होकर बता सकते हैं तो आइए सटीक आंसर एवं सही आंसर जानेंगे बी एन झा क्या हो जाएगा बी एन झा वंश की जमजात विशेषताओं का पूर्ण योग है यह कथन बी एन झा का है सभी लोग समझ जाएंगे अगला प्रश्न है बालक का कलात्मक विकास प्रारंभ होता है <clears throat> जो बालक का विकास होता है कई प्रकार के विकास होते हैं लेकिन जो कलात्मक विकास होता है वह किससे प्रारंभ होता है परिवार से विद्यालय से पड़ोस से उपयुक्त में से कोई नहीं तो जो बालक का कलात्मक विकास होता है परिवार से ही होता है कैसे अब माता पिता परिवार में जो होते सभी लोग बच्चे से जो संबोधित करेंगे बच्चा वही कलाएं सीखता है जैसे अगर कुछ भी अगर कर रहा है कोई भी कुछ भी कार्य करता है तो नकल उतारना कलात्मक मतलब क्या होता है कला करना यानी कि दूसरे को देखकर वही रूप प्रतिरूप करना तो बालक का जो कलात्मक विकास होता है परिवार से ही होता है परिवार का जो हाव भाव होगा वही बच्चे का हाव भाव होता है तो दोस्तों ये रहा आपका थी थर्टी क्वेश्चन और चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन होगा वहाँ पे जरूर ये पे बटन क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लाटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इन बाग से मिलता रहे दोस्तों और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए दोस्तों हर सपने को अपने सांसों में रखो हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो हर जीत आपकी है बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो तो दोस्तों बस उसी निगाहों के साथ यहाँ पे टिके रहना है प्रैक्टिस करते रहना है मेहनत करते रहना है आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का सच्चाई की जीत हमेशा होती है दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आप खुश रहें आपका परिवार खुश रहे लाजवाब हो दोस्तों और ये क्लास लाजवाब होती है जब आप लोगों का प्रेम लाइक शेयर कमेंट मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ दोस्तों तो जयसवाल सर आपको लिए बहुत ही बहुत ही धन्यवाद करते हैं थैंक यू दोस्तों सभी मेरे मित्रों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम